नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम आहन पूजा। रीवा माही पहले से खादी के किल्लत झेले वाले किसानन का एक ठे और नई मुसीबत प्रशासन दे दिस, और यह मुसीबत प्रशासन के लचर व्यवस्था के एक और नमूना देखे का मिला। समितिन माही खादी दे के एक ठे शर्त रखी गई, जौने माही खादी अब वही किसानन का मिली जौन अपन ऋण पुस्तिका देखे ही। लेकिन फजीहत तो उनका हो गए जे बेचारे लोन ले खातिर, रिपीट, जे बेचारे कृषि लोन ले खातिर अपन ऋण पुस्तिका का बैंकन माही जमा करे हमा। खैर, हो सकत है कि शासन के बिचौलियन के हाथे से खादी का बचावे के उपाय हो, जौने से उ खादी का महंगी दाम मना बेच पामा। किसान कई एक बेर मांग करीन के समितिन के बाहर खादी के रेट सूची लगवाई जाए, लेकिन एक एक खातिर शासन के काने में आवाज नहीं पहुँचल ला किया। वही एक किसान का 5 बोरी से अधिक खादी उन्हें दिन जा ला गया, और ऊपर से यह नियम के चक्कर में ही किसान भाई खासा परेशान हो रहे हम। अपनों सुनी किसान भाई के का कहवा हवे। बेटियां भी आज हमारी खाद लेने यहाँ आई हैं, सोचिए आप। कहाँ से आने बेटा अपना? जी, रहट से। कितनी देर आए हैं अपना यहाँ? 7 बजे से आने। खाद विक्रय केंद्र यहाँ पे करैया, हम चाहेंगे कि भाई साहब दिखलाएंगे। यहाँ पे ट्रकों में लदी है खाद, हमारे किसान लाइन में लगी हुई है और पुलिस खाद बंटवा रही है। ये है हिंदुस्तान, ये है मामा की सरकार, ये है मामा की सरकार, ये है हिंदुस्तान। किसानों को ये कह रहे हैं, किसान हमारा आसमान में जा रहा है, किसान को ये जमीन के नीचे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केव अधिकारी से परेशान कर्मचारी कौने हद तक नाराज हो सका थमा, एकर उदाहरण देखे का मिला अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय माही। नाराज कर्मचारियों के गुस्सा वो समय सातवें आसमान में देखे का मिला जब रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार लाल साहब सिंह के स्वागत में वो जूता और चप्पलन के माला पहनावे के कोशिश करें और मुर्दाबाद के नारा लगवाएं। बतावा जात हवे कि 30 नवंबर का डिप्टी रजिस्ट्रार के सेवा काल पूरा भा, और विरोध के स्वरूप में कर्मचारी फूलन के माला से स्वागत के बजाय यह तरीका अपनाए लें। हालांकि यह समय डिप्टी रजिस्ट्रार अपन बचाव कह के आगे बढ़ गए। अपनों देखी कर्मचारी के यह हरकत के कौन वजह रही और ऐसा कई के वो कौन संदेश दे चाहतला हम। हालांकि कुल सचिव मामला के जांच के आदेश दी ही नहीं बे। कर्मचारियों की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। रीवा माही शराब के नशा में गाड़ी चलावे वाले ड्राइवर अलगे अलगे जगह में मेर मेर के दुर्घटना का अंजाम दिन। जौने माही पहली घटना चुराहटा में तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुसिका और लाखों रुपया के नुकसान कह दिस। वहाँ दूसरा ट्रक एक जने के घरे में सकाएगा, गनीमत रही के बड़ी घटना हुए से बच गए। वहाँ समान नाका के पास एक ओमनी ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाए के टक्कर मार दिस, जौने माँ खुटेही के ही दिनेश गुप्ता घायल हो गए। यह मेरे के एक ठे घटना माँ एक ट्रक ड्राइवर मिठाई लाल कोल का टक्कर मार दिस, कहा खराब सड़क तो कहा ओवरब्रिज माँ संकेतक न लगे हुए के कारण यह मेरे दुर्घटना हो रही है। अगर इतने में प्रशासन ध्यान नहीं दिस तो कोनो बड़ी दुर्घटना हो सका थी। रीवा माही खाली जमीन में वह के रहिया कई एक जने कब्जा कई लिहिन, लेकिन जब जमीन के मालिक नाप जोक करवावे लागे ता लोगन में खलबली मच गए। चोरहटा माही 4 दशक से आसपास के रहे वाले कब्जा करे रहे, जौने के जमीन में शेष कुमार और लाल श्रीवास्तव घलाए काबिज हमा। पहले जमीन के अदला बदली माही समझौता भा रहा, पर अब खाली करावे के दबाव दिन जाला हवे। केकर जमीन आए के कब्जा करे है या तो जाँच के विषय आए, लेकिन नाप जोक होए से हड़कंप जरूर मच गया हवे। अपनों देखिए सलगा मामला। आपकी
हमारे जमीन में कब्जा कर रहे हैं मैं प्लाट वाले अनु खान अरे कर रहे हैं 2-3 साल से जमीन में कब्जा कर रहे हैं साहब, हमारी जमीन बो रहे हैं। आज हम 50 साल से बो रहे हैं, आज भी बो रहे हैं, पानी लगाए हैं। हमारा ससुर बोबत रहे, हम बोबत रहे हैं, पुस्तैनी जमीन है। कोई अतिक्रमण का मामला नहीं है, तहसीलदार के आदेश से सीमांकन हो रहा है, तहसीलदार साहब के न्यायालय का मामला है। रीवा के हनुमाना में रहने वाली रंजीता यादव बताएं कि उनके पति के दुकान घरे से दूरी है, जिनका खाना पहुंचावे खातिर उनका लड़का जात है। लड़का खाना पहुंचाए के लौटत रहा, तब पड़ोस में ही पहुंचा, जहाँ पड़ोसी संतोष यादव के भैंस रास्ता में ही रही। ओ भैंस का हटावे खातिर हार्न बजाए तो पड़ोसी खिसियाए गए और गाली दे के साथ टांगी से हमला कर दी, जौने माही सगले परिवार का चोट आई है। ओके बाद पीड़ित थाना में रिपोर्ट दर्ज लिखा के कार्रवाई के मांग करी है। बे अपनो सुनी फरियादिन केर का कहबा है। क्या हुआ है? मेरे लड़के ने खाना लेके गए हैं बाप के, यहाँ से लौटे तो भैंस घर में रखी थी, उसको उठाए थे, फिर उठा के अब कर यहाँ से निकले बजाने। आपके साथ किसने मारपीट की है? आपके साथ किसने मारपीट की गई? संतोष यादव अपना शिकायत करने आई है। थाने में किसकी शिकायत है आपने, क्या मामला था पूरा? वो मामला था कि क्या कहते हैं, संतोष यादव और गोविंद यादव, वो क्या था रास्ते में भैंस थी तो हमारा भतीजा था, तो उसको हारन मारा, तो वो नहीं थी तो वो उतर के था, तो उसे मारपीट की है। सब शिकायत ऐसी है कि हम बाईपास में दुकान करें हैं चाय का, हम वहीं रहते हैं, फिर हमारा बच्चा खाना लेकर आ रहा था, हमको खाना दिया, फिर इसके बाद में गया तो रास्ते में भैंस गई तो हार मारा, उड़ गई भैंस, जैसे उड़ गई तो उसके बीवी बच्चे पहुंचे, उसको मारने लगे, फिर मेरे बीवी बच्चे गए तो समझौता हुआ कोई जाने दो कोई बात नहीं, फिर हमारे बीवी बच्चे घर में गए अंदर रहे, इतने में पीछे से गोविंद कन्हैया वो संतोष गए मारने लगे टांगा से, अभी दोनों घायल थे, हमको पता मिली बाईपास से, हम वहाँ से आए थे तो घर सब घायल पड़े थे, ले गए थाने, थाने रिपोर्ट कर नहीं हुआ तुरंत, हम डॉक्टरी कराए, डॉक्टरी कराने के बाद फिर हमारा कोई कहीं सुनाई नहीं, डॉक्टर 10,000 रुपया मांग रहा था लेकिन हम कहीं पास 10,000 नहीं 2,000 नहीं। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का क्या नाम है? नहीं राजमर पटेल, राजमर पटेल 10,000 मांग रहा था मुझसे, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुलजिम अभी घूम रहे हैं, फिर हम लोग को मारने की धमकी दे, हम लोग अपने दुकान से घर नहीं आ रहे हैं, कहीं पड़िया बांधे थे वही भैंस बिरका दिए उन लोगों ने पीछे से मारे। कितने लोगों के साथ मारपीट की गई है? ये हमारे बीच में 4-5 आदमी थे। एक परिवार के विवाद माही, एक 25 बरिस के नौजवान अपने घरे में 315 बोर के देसी कट्टा से अपने मोड़े माही गोली मार दी, जहां ओकर मौके पर मौत हो गई। घटना अतरैला के लूप ग्राम पंचायत के चीड़ा गांव के बताई जा रहा है, जौन बुधवार शाम 4 बजे के भय। पुलिस सब के पोस्टमार्टम कई के जांच माही जुटी है। एक युवती के रना आतंक मचा हवा के शासकीय विद्यालय के बच्चा के साथ साथ कर्मचारी और अध्यापकों भय खा थमा। खबर हनुमाना विकास खंड माही शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विभाग और सेठ बिहारी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से है, जहां आए दिन राधा जायसवाल नाम के बिटिया शिक्षकन और वहां पढ़े वाले लड़कन के साथ मारपीट करा थी वह। अपनों सुनी आतंक से त्रस्त विद्यालय के स्टाफ और छात्रन के का बतावल्ला हम काहे तो एक दिन मार के सजी सारी बाल पकड़ के ना पटकी थी, खींच लेती है और मारती है बच्चों को, मारती है हम लोग को, मार रही थी मैडम मना कर रही थी। किसको दाते खाई थी? सजी मुझको। काहे सजी हमको दाते खाई थी? ये कोई ढोस दिया पीछे से इसको तो ये गिर उसके ऊपर चला गया, हम पीछे पड़ गए सजी, हमको पकड़ लिए और दाते चाप लिए सजी हमारे अन्ना पा ली। ये बहुत दिनों से जब से हम आए हैं तब से ये जो है ये जबरदस्ती रूप में ये आकर के छात्रों को परेशान करती है, दांत काटती है, मारती है, पीटती है, शिक्षकों से लपटती है। कल भी एक शिक्षक से लपटी हुई थी, परसों जो है सुनैना त्रिपाठी के से लपट करके वो पटक दिया था। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बखेली में। नमस्कार।